हेलो, वेलकम बैक दोस्तों. मेक इंजीनियर्स में आप सभी का स्वागत है. मेरा नाम है गणेश चौहान और आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ. तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंपल एयर इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम का टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम. क्या होता है टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम, ये देखते हैं इस वीडियो में. सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस को हम नंबरिंग कर देते हैं. ये जो हमारा एम्बियंट एयर का कंडीशन है वो कंडीशन को हम 1 देते हैं. देन उसके बाद में जो अंदर रैम एयर है उसको कंडीशन नंबर 2. यहाँ पे जो कंप्रेस होके एयर आ रही है उसको हम नाम देते हैं, उसको नंबर देते हैं 0.3. हीट एक्सचेंजर से जो हमारा एयर बाहर आ रहा है उसको हम कंडीशन नंबर देते हैं 4. देन उसके बाद में इवेपोरेटर में जो हमारा एयर बाहर आ रहा है उसको कंडीशन नंबर देते हैं 5. देन वहाँ पे जो हमारा कूलिंग टर्बाइन है, कूलिंग टर्बाइन से जो हमारा एयर एग्जिट हो रहा है, जो पर्टिकुलर प्लेस हमें ठंडा करना रहता है वहाँ पे जो एग्जिट हो रहा है उस कंडीशन को नंबर देते हैं हम कंडीशन नंबर 6. तो आइए देखते हैं इसका टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम क्या होता है. सबसे पहले तो जो हमारा एम्बियंट एयर है, एम्बियंट एयर वो अंदर आके क्या हो रही है, रैम एयर में कन्वर्ट हो रही है. क्यों रैम एयर में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो कंप्रेशन होता है वो स्लाइट कंप्रेशन होता है, मतलब हल्का सा प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. देन दिस प्रेशर, एम्बियंट एयर का जो प्रेशर है उससे हल्का सा प्रेशर इंक्रीज होता है, इसके लिए वो उसको कंप्रेशन नाम दिया है. और वहाँ पे जो कंप्रेशन होता है उसको रैमिंग कंप्रेशन बोलते हैं. तो अभी 1 to 2 प्रोसेस जो हो रही है, कंप्रेशन प्रोसेस हो रही है, इसको हम टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम पे कैसे प्लॉट करते हैं वो देखते हैं. अभी ये हमारा टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम है. यहाँ पे कैसे जो हमारा कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा था वो क्या था, एट आइडियल कंडीशन हमारा जो कंप्रेशन प्रोसेस था वो 1 to 2 था. इसको हम नेम देते हैं 1. एट इनिशियल कंडीशन जो हमारा एटमॉस्फेरिक का कंडीशन था वो कंडीशन नंबर 1 था. देन वो कौन सी कंडीशन तक कंप्रेस हुआ था, सेकेंड कंडीशन तक. ये हमारा एट आइडियल कंडीशन हो गया आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन. बट अगर एक्चुअल में देखा जाएगा तो ये जो कंप्रेशन होता है ये कंप्रेशन कभी भी एक्चुअल नहीं होता है. क्यों? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन होने के कारण उसका स्लाइट एंट्रोपी बढ़ जाता है, एंट्रोपी थोड़ा सा बढ़ जाता है. तो ये जो प्रोसेस होता है वो कांस्टेंट एंट्रोपी नहीं होता है, वो एडियाबेटिक प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है. अभी यहाँ पे जो कंप्रेशन होता है इन केस ऑफ एडियाबेटिक वो ऐसे होता है, कर्व में आता है. तो अभी हमारा जो इनलेट कंडीशन का प्रेशर था वो प्रेशर क्या था, हमारा एम्बियंट प्रेशर था, एम्बियंट प्रेशर. देन वहां पे जो हमारा आइडियल कंडीशन का प्रेशर था इसको हम देते हैं नाम आइडियल रैम प्रेशर. और ये जो हमारा एक्चुअल कंप्रेशन प्रोसेस होता है उसको हम नाम देते हैं एक्चुअल कंप्रेशन प्रोसेस, एक्चुअल रैम प्रेशर. यहां पे टेम्परेचर ड्रॉप क्यों होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन. फ्रिक्शन होने के कारण वहां पे टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है. अभी अगर देखा जाएगा आइसेंट्रोपिक, एट द एंड ऑफ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस हमारा जो टेम्परेचर रहता है वो टेम्परेचर ऑलमोस्ट इक्वल टू रहता है. तो ये 1 to 2 प्रोसेस हो गया, देन इसको नाम देते हैं हम 1 to 2 डैश. देन उसके बाद में जो हमारा ओरिजिनल कंप्रेशर रहता है 2 to 3 में, जो हमारा एयर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है वो क्या हो रहा है, कंप्रेस हो गया और आ रहा है. तो वो कंप्रेशन प्रोसेस कौन सा है, एट आइडियल कंडीशन वो जो कंप्रेशन प्रोसेस है वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, इसको नाम देते हैं हम 3. बट एक्चुअल प्रैक्टिस में अगर देखा जाएगा तो इसका जो एंट्रोपी रहता है एंट्रोपी कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं रहता है. क्यों कॉन्स्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन होने के कारण उसका स्लाइट एंट्रोपी बढ़ जाता है, मतलब एंट्रोपी वैरी हो जाता है. ठीक है, तो इसको नाम देते हैं हम 3 डैश. फिर उसके बाद में जो हमारा एयर है वो एयर आता है हीट एक्सचेंजर में, हीट एक्सचेंजर में हमारा 3 to 4 ट्रेवल कर रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा हीट एक्सचेंज हो रहा है. यहाँ से जो एम्बियंट एयर आ रही है, रैम एयर जो आ रही है उसके बीच में क्या होता है, वो रैम एयर जो ऑलरेडी ये कूल्ड एयर है वो मतलब एटमॉस्फेरिक एयर है
और यहाँ पे कंप्रेस एयर है, ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा और इसका टेम्परेचर कम रहेगा, तो ये दोनों के बीच में क्या हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है। तो हीट ट्रांसफर हो रही है मतलब क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर फॉल हो रहा है, टेम्परेचर फॉल हो रहा है। तो वो किस पॉइंट तक फॉल होगा टेम्परेचर, ये 3-4 पॉइंट तक, इसको हम नाम देते हैं पॉइंट नंबर 4, जो हीट एक्सचेंजर का हमारा एग्जिट पॉइंट है उसको पॉइंट नंबर 4 देते हैं। देन उसके बाद में हमारा जो गैस है वो क्या है, 4-5 जा रही है, मतलब यहाँ पे जो इवेपरेटर है इवेपरेटर में ट्रेवल करके यहाँ पे जो टेम्परेचर फॉल हो गया है उसका और वो पर्टिकुलर एयर का यहाँ पे और टेम्परेचर फॉल होगा, मतलब अगेन टेम्परेचर फॉल होगा, तो यहाँ पे और एक टेम्परेचर फॉल होगा, तो वो सिमिलरली वो जो ट्रैवल करेगी 4-5 होगा। यही एक एडवांटेज था हमारा इवेपरेटर का यूज करने का, जो हमें रिड्यूस टेम्परेचर एयर प्रोवाइड कर सकता है वो हमारा इवेपरेटर। तो देन उसके बाद में इवेपरेटर के बाद में वो आता है हमारा कूलिंग टर्बाइन में। अभी 5-6 ट्रैवल करता है, 5-6 ट्रैवल करता है मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कूलिंग टर्बाइन पे आ रहा है और वहां पे क्या हो रहा है, हमारा एयर जो है हाई प्रेशर बट लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर बट लो टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पे फोर्स आउट हो रहा है। फोर्स आउट होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो सडन टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का फॉल होता है, प्रेशर और टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर का फॉल हुआ ऑलरेडी जो लो टेम्परेचर एयर था उसका और टेम्परेचर फॉल होगा तो क्या होगा, हमें कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। तो क्या होगा, यहाँ जो यहाँ पर जो एक्सपांशन हो रहा है वो एक्सपांशन एट आइडियल कंडीशन जो था वो क्या था, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन था, इसको हम नाम देते हैं 6-5-6। देन उसके बाद में अगर एक्चुअल प्रैक्टिस में देखा जाएगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन की वजह से हमारा जो एक्सपांशन प्रोसेस का एग्जिट टेम्परेचर, एग्जिट प्रेशर है या फिर एग्जिट टेम्परेचर है वो वैरी हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा 5-6 जो प्रोसेस आता है वो हमारा एक्चुअल प्रोसेस होता है। देन वहां पे जो ये जो कूलिंग टर्बाइन है यहाँ पे हम एयर को इस प्रेशर तक फॉल करते हैं जो हमें केबिन के लिए रिक्वायर्ड प्रेशर है, मतलब हमें हमारे लिए जो ह्यूमन बॉडी है ह्यूमन बॉडी के लिए एटमोस्फेरिक प्रेशर जो सफिशियंट प्रेशर है, मतलब रिक्वायर्ड प्रेशर है, उस रिक्वायर्ड प्रेशर से वो एयर को आगे प्रोसीड करेगा, मतलब यहाँ पे जो टिल एटमोस्फेरिक प्रेशर ड्रॉप होगा। देन वहां पे जो ये जो प्रेशर रहता है हमारा वो प्रेशर क्या रहता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये जो प्रेशर रहता है वो हमारा क्या रहता है, केबिन प्रेशर। देन उसके बाद में हमारा जो एयर है वो केबिन के अंदर जाता है, केबिन के अंदर गया मतलब क्या होगा, उसका जो पर्टिकुलर केबिन में ऑक्यूपेंसी बैठी रहेगी उससे क्या होता है, हीट गेन करता है वो जो पर्टिकुलर एयर है वो एयर हीट गेन करता है और उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ गया तो ये 0.7 हो गया, 7 पॉइंट तक उसका टेम्परेचर बढ़ता है, देन उसको एटमोसफेयर में एग्जिट कर देता है वो एयर को। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगर इस वीडियो के बारे में आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू।